राम इज 5 टाइम एज एफिशिएंसी एज रोहित. राम कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज लेस देन रोहित. इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड. ओके, एक है मेरा राम एंड एक है मेरा रोहित. दोनों का क्या का बात किया जा रहा है, एफिशिएंसी की बात किया जा रहा है. ओके, तो राम जो है 5 गुना एफिशिएंसी है रोहित से. रोहित अगर एक है तो राम का क्या होगा, 5 होगा. इसी तरह टाइम में क्या होगा, टाइम में रिवर्स होगा, ऑपोजिट. ये एक है तो ये 5 हो जाएगा. ओके, रेशियो. अब बोल रहा है राम कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 60 डेज लेस देन रोहित. यानी कि ये दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, 4 का डिफरेंस. वो जो 4 का डिफरेंस है वो किसका बराबर है, 60 डेज का. यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हो जी, 60/4 यानी कि 4×1=4, 2×4=5=15 यानी कि 15 डेज आ गया. 15 डेज इंटू 1 करेंगे, 1 × 15 इसका, और 5 × 15 75. तो बोला है इफ़ बोथ ऑफ देन वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कम्प्लीट. दोनों का जब भी टोटल टाइम बड़ा वाला होगा, ओके, टोटल वर्क बड़ा वाला होता है, तो टोटल का टाइम, टोटल वर्क मेरा है 75 यूनिट, उसमें से दोनों का एफिशिएंसी, दोनों बोलेगा, बोथ बोल रहा है, तो दोनों का एक का एफिशिएंसी 5, एक का 1 है, यानी कि प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा. 6 से 75 को डिवाइड करूँगा तो मेरा 12.5 डेज आंसर आ जाएगा. ऑप्शन नंबर बी विल बी माय आंसर. थैंक यू.